राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची थी, अब वो दिल्ली लौट चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी, राष्ट्रपति के दौरे को किस रूप में आप देखते हैं? झारखंड में जो 3 दिन वो रुकी, राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार इतना लंबा समय उन्होंने झारखंड में बिताया। देखिए, उनको कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। एक तो झारखंड उच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन, उसके अलावा IIIT में जाना छात्रों के बीच, और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप कह सकते हैं खूंटी में, जो महिलाएं स्वावलंबन के राह पर हैं। करीब करीब 20-25 हज़ार महिलाओं से सीधा इंटरेक्शन, उनका उनके उत्पादों को देखना, उनको प्रोत्साहित करना, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदय ने ये संदेश दिया है कि जो लोग सामाजिक मुख्यधारा में आने की कोशिश करेंगे उनको एक तो सरकार का सपोर्ट तो मिलेगा ही, लेकिन कुछ उच्च पद पर जो लोग बैठे हैं अगर उनको अनुकूल माहौल दें तो वो लोग भी कुछ अजूबा कर सकते हैं, ये देखने में आया कल खूंटी में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दौरा संतोषप्रद है उनका, और काफ़ी उत्साह भर के गई यहाँ के लोगों में। झारखंड से लगाव की बात उन्होंने कहकर एक नई ऊर्जा का संचार किया, तो मैं समझता हूँ कि एक जो उनके साथ जो लगाव था लोगों का, कि चूँकि 6 साल यहाँ वो राज्यपाल रहीं और कई विषयों पर वो मुखर रहती थी, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में और आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, तो कुल मिलाकर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं यही कहूँगा कि दौरा बहुत संतोषप्रद है। कई जगहों पर उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपनापन का एक भाव दिखाया, और लगाव ये दिखा कि बच्चों से लेकर के बड़ों तक से भी वो उन्होंने बातचीत की। खूंटी में तो उन्होंने बच्चों को गले तक लगाया, इसको किस रूप में देखते हैं? झारखंड से इतना लगाव राष्ट्रपति का जो है। देखिए, जब वो कहती हैं कि मेरे रगों में झारखंड का खून दौड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि वैसा दृश्य उत्पन्न होगा तो प्रसन्नता छलक कर सामने आ जाएगी। तो फिर प्रोटोकॉल कोई मायने नहीं रखता, और चूंकि अपने लोगों के बीच हैं तो सुरक्षा कारण भी कोई आगे नहीं आ सकती। तो कल जो कुछ भी उन्होंने प्रदर्शित किया अपने हाव भाव से, तो एक अपनापन का संदेश देने में सफल रहे। लेकिन एक सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा एक सार्वजनिक रूप से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, जो उनका स्वागत है वो नहीं किया गया, ये आखिर क्यों है? देखिए, वो तो कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम बिल्कुल आप कह सकते हैं सरकारी स्तर पर आयोजित था, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें बीच में घसीटना कि उनके स्वागत के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, कोई प्रेस रिलीज नहीं दिया गया, कहीं कोई ये तो दिखा दे कि हमने कोई विरोध में बोला हो। राष्ट्रपति महोदय का झारखंड की धरती पर स्वागत है, ये हमने बार बार कहा, और कई हमारे बड़े नेताओं ने वक्तव्य भी दिया कि उनके झारखंड आने से कहीं ना कहीं संदेश जाएगा, चूँकि यहाँ रही हैं वो, यहाँ के सभी चीज़ों को वो जानती हैं बेहतर ढंग से। तो मेन मिख निकालना, मैं समझता हूँ अब एक अच्छे माहौल में सारा दौरा समाप्त हुआ है तो उसको उसी नोट में लिया जाना चाहिए और उस माहौल को बने रहने दिया जाए। लेकिन JMM की तरफ से 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए राष्ट्रपति के आगमन को लेकर के, और ये कहा गया कि आदिवासी होने के नाते उनका सम्मान पार्टी की तरफ से भी और ज़्यादा किया जा रहा है, चाहे सरकार के स्तर से हो उनका स्वागत जो है और भव्य तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुआ उनके आगमन को। अब बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तो UPA गठबंधन के हिस्सा हैं। मात्र 6-8 महीने पहले जब राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा था तो कौन कौन से शब्द उनके खिलाफ उपयोग किए गए, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा उनके लिए, किसी ने कहा कि वो रबर स्टैंप होंगी, पढ़ी लिखी नहीं है, उस पद के योग्य नहीं है, तो इस तरह से अपमान किया जाना और अब स्वाभिमान की बात कह के अपना जुड़ाव दिखाने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये राजनीति का डबल स्टैंडर्ड है, आप उससे बच नहीं सकते। चूँकि आप गठबंधन के सहयोगी हैं UPA के, तो ठीक है आपका स्टैंड रहा हो राष्ट्रपति चुनाव में कि आपने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया, लेकिन UPA की कारगुजारियों से आप अपने आप को कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं? तो ये प्रदीप सिन्हा जी थे जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो दौरा रहा वो बहुत ही लाभप्रद और सुखद माहौल में हुआ। लोगों के बीच जब वो पहुंच रही थी तब उन्हें अपनापन सा महसूस हुआ, वो तस्वीरें भी कई सामने आए जिस समय वो प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भी लोगों को गले लगाया, लोगों से बातचीत की। झारखंड से लगाव का एक दृश्य लगातार सामने आता रहा, तो जो राज्यपाल के तौर पर यहाँ पर लंबे समय बिताया उसका ही एक नमूना रहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी द्रौपदी मुर्मू जी के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपने सहयोगी नीतीश के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 रांची।